हालेलुया, तेरा हूं मैं यीशु, मैं तेरा हूं। हालेलुया, जय मसीह की, हर शय मसीह की। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो अजीजों, अपने वीकली प्रोग्राम राह की रोशनी के साथ, जो कि खुदावंद का कलाम है, खुदावंद की शरीयत, खुदावंद की तौरात है, खुदावंद की तनाख और वृथा दशा है, ये बाइबल मुकद्दस है। इस प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसमें हम खुदावंद के कलाम की जो प्रस्तुति है, जो सिताइश है, जो खुदावंद की बेतहाशा हम्द है, जो सिर्फ उसी को वाजिब है, वो लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। हर हफ्ते की तरह आज भी मेरा घराना आपके साथ मिलकर, आसमानी लश्कर के साथ मिलकर खुदा की हम्द सना करेगा, उसकी परस्तिश गाएगा, कलाम में से हम सीखेंगे और इब्रानी हम सीखेंगे। सो खुदा के कलाम में इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इस ब्लेसिंग को, इस बरकत को आप अपनी अपनी वॉल्स पर शेयर कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को लाइव देखें या आप इस प्रोग्राम को बाद में भी देखें। यू कैन शेयर दिस ब्लेसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। खुदावंद आपको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। खुदावंद आपको 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फलदार बनाए, और उसके पाक कलाम का बीज आपकी जिंदगी में उसके नाम के जलाल के लिए, आपकी बढ़ोतरी, आपके घराने की बढ़ोतरी के लिए काम करे। लेट अस स्टार्ट विद अ प्रेयर। दुआ के साथ हम कलाम का, इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे और खुदावंद की बरकतें हासिल करेंगे। लेट अस बाउ डाउन आवर हेड्स, आवर हार्ट्स, आवर लाइव्स इन फ्रंट ऑफ आवर गॉड। अपने खुदा के आगे अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को लेकर आए। लेट अस प्रे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कदूस और रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू बहरोबर का खालिक और मालिक है, तू अव्वल और आखिर है, तू अलिफ और ताव है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू साहिब जंग है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू आसमान जिसका तख्त और जमीन जिसके पैर की चौकी है। खुदावंद तू अपने हाथों को बढ़ाता है, अपने कानों को झुकाता है और अपने प्यारों की दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देने पर कादिर है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। खुदावंद हम तो जो हूँ सो हूँ, खुदावंद खुदा रबल फर्ज की परस्तिश करते हैं। हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तुझे धन्यवाद कहते हैं खुदावन, क्योंकि तू ही लायक है खुदावन कि तेरी हम और परस्तिश और तेरी बड़ाई की जाए। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं यीशुआ मसीह, हम तेरे लहू के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। हम तेरे खुदावन उस कीमती फिदिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, उस जान के लिए जो तूने कोहे कलवरी पर दे दी, ताकि खुदावन हम गुनाहगारों का बाप के साथ रिश्ता जो मुनकता हो गया था मुंसलिक हो सके। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने लहू को बहाकर तूने ऐ खुदावंद हमारे हर गुनाह को, हमारी हर तकलीफ को, हमारे हर एक दुख को कीलों के साथ सलीब पर जड़ दिया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरी पाक रूह हमारी रहबर और रहनुमा है जब तक के तू ना आए। खुदावंद आज के सारे प्रोग्राम को, आज की सारी इबादत को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद, तू चार्ज ले, तेरा पाक रूह हमारी रहनुमाई करे, हमारी रहबरी करे खुदावंद। शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारे साथ रहे, तेरा तख्त यहाँ पर लगे और तेरे पाक फरिश्ते हमारे साथ मिलकर तेरी हमद और परस्तिश करने वाले हों। तेरे सबक के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि ये वक्त तूने मुकर्रर किया ताकि तेरे लोग तेरे साथ रफाकत रख सके। खुदावंद आज तू हमारे साथ हो, हमारा गाना बजाना, हमारा हाथों का उठाना सब तेरे हुजूर बखूर की मानिन पहुंचे। खुदावंद हम घटे और तू हम में बढ़ता जा, मसीह यीशुआ मसीह के नाम में आमीन, आमीन और आमीन, 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 आमीन। अजीजो एक दफा फिर आपको वेलकम करते हैं खुदावंद की पाक रूह के जो इस्तकबाल के लिए, उसकी आसमानी बाप की हम्द और सना के लिए। आप सबों को हम दावत देते हैं कि इस ब्लेसिंग में, इस हम्द और सिताइश में शरीक हो। बेशक आप कैमरे की दूसरी जानिब हैं, लेकिन आप अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जिंदगियों में, इस हम्द और सना में, इस सिताइश में, खुदा की सिताइश में शरीक हो सकते हैं। जबूर 145 क्योंकि हमारा खुदा रहीम खुदा।
شکر گزار ہیں اس کے بیٹے ہمارے منجی یسوع المسیح یہوشوا مشیاخ کے لیے اس کے شکر گزار ہیں جس نے صلیب پر اپنی قیمتی جان دی عزیزو اور وہ جو اپنی قوم اسرائیل کے ساتھ دن کے وقت بادل کے ستون میں اور رات کے وقت آگ کے ستون میں ہاللویا وہ ہمارے ساتھ بھی رہنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ سکونت کرنا چاہتا ہے وہ اپنی ہیکل میں اپنے مقدس میں آگ کی صورت میں نازل ہوا وہ آگ جو کبھی بجھائی نہیں جاتی وہ ہمیں اپنی راہیں اپنا کلام دیتا ہے تاکہ ہم انہیں سیکھ سکیں آئیں ان کو سیکھنے والی روح کو اختیار کریں اور اس سے جو ہٹ دھرمی اور اس سے جو حجت کی روح ہے اس پہ جو اعتراض کرنے کی روح ہے اس سے آزادی حاصل کریں تاکہ اس کی فرما برداری میں چلنے والے ہوں اور گھوڑے یا خچر کی مانند نہ ہوں Oh,
कोरस है, हिब्रू कोरस है, जो खुदावंद की बुजुर्गी में है, कादोश कादोश, जिस तरह फरिश्ते उसकी हजूरी में कुद्दूस कुद्दूस पुकारते हैं, उसी बात को लेकर, उसी कलाम के हिस्से को लेकर ये गीत है। I'm sure you're going to be blessed। खुदावंद की तमजीद हो, क्योंकि वो कुद्दूस खुदा है, कादोश। अल्फाज सीखने का वो जारी है, और आज का जो लफ्ज है वो मैं डैनियल से कहूंगा कि आपको दिखा दें, जोशुआ उसको उसके अल्फाबेट सरूफ तहजी आपको बताएंगे और है ना उसका मतलब बताएगी। ठीक है, सो इन द वर्ड दिस हाउ डू यू से दैट ताज़रिया ताज़रिया देयर आर फाइव हिब्रू लेटर्स, वी हैव ताफ, ज़ायन, रेश, युद and iron. I'll say again. Daf, Zayin, Resh, Yud, and iron. वहीं पे रखो बेटे. Daf, Zayin, Resh, Yud, और iron. Tazriya. Tazriya का क्या मतलब है ना बेटे? Tazriya means and she conceived. And she conceives. Daniel, आप आ जाएं. जब वो हामला हो. कौन हामला हो? बाइबल में हामला खवातीन के हवाले से पाकीजगी और नापाकी का लिखा है, और बहुत से लोग इस हवाले से सवाल करते हैं कि क्यों वो पाक नापाक हैं, ये औलाद होना तो अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और खुदावंद भी यही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि कई दफा लोग पाकी और नापाकी को गुनाह और गुनाह के हवाले से सोचते हैं, वी मस्ट रियलाइज देयर इज अ डिफरेंस। आज कलाम के हिस्से में
हम इस बारे में सीखेंगे कि खुदावंद हरगिज उस औरत को जो बच्चा जनती है, जो हमारी माँ है, उसको गुनाहगार नहीं करार दे रहे, बल्कि पाकी नापाकी के हवाले से रिचुअल क्लीनिंग और अनक्लीनिंग का जो ये बात है, इसकी क्या तय में बात है, लड़के के हवाले से क्यों मुख्तलिफ दिन है, लड़कियों के हवाले से क्यों मुख्तलिफ दिन है, क्या लड़कियों के खिलाफ है बाइबल मुकद्दस, हरगिज नहीं, लेकिन हम कलाम में से इसको सीखेंगे, खुदावंद के कलाम से बरकत पाएंगे। जो तहारत के अलावा आज का टॉपिक है वो है लेप्रसी, ज़ारात, बल्कि जो कोड जो है बाइबल में, कोड का क्या मतलब है, मकसद है, कैसे होता है, कैसे उसको जज किया जाता है, और उस हवाले से क्या रीजन है, क्या वजह है, उसके हवाले से भी आज हम सीखेंगे कलाम मुकद्दस की खूबसूरत बातें। बट बिफोर वी डू दैट, दाऊद नबी जो है, दाऊद बादशाह जो है, उसके हवाले से हम एक बात, खूबसूरत बात सीखेंगे, और वो खूबसूरत बात ये है कि उसको खुदावंद के कलाम से, खुदावंद की शरीयत से इस कदर प्यार था कि जब अहद का संदूक जो है वो हैकल में वापस लाया जा रहा था तो वो नाच नाच के गीत गा रहा था, खुदावंद की हमदो सताइश कर रहा था, यहाँ तक कि वो अपनी बीवी के आगे भी, उसकी बीवी ने कहा कि ये बांका जो है जैसे बेहयाई करता है उस तरह ये बैठा नाच रहा है। सो वी मस्ट रियलाइज, दाऊद ने उसे क्या कहा था, दाऊद ने उसे कहा था कि मैं खुदावंद के लिए करता रहूंगा क्योंकि मुझे खुदावंद के लिए एक्साइटमेंट है, खुदावंद के कलाम, खुदावंद की शरीयत के लिए एक्साइटमेंट है, जोश है, और इसी जोश को हमारे एक अजीज तरीन भाई जेम्स मसीह ने गीत की सूरत दी है, उसका एक बंद जो है, उसका एक जो अंतरा है वो हम गाएंगे और फिर खुदावंद की तारीफ करेंगे और तारीफ भी करेंगे और कलाम में से भी सीखेंगे। बट दिस इज अ ब्यूटीफुल कोर्स। वेख वेख के जमाना पावे हसदा पया गाऊ अहद दे संदूक अगे नचदा पया गाऊ अहद दे संदूक अगे नचदा पया वेख वेख के जमाना पावे हसदा पया संदूक अगे नचदा पया गाऊ संदूक अगे नचदा पया हथ दाऊद दे खजाना जिवें लगिया होवे हथ दाऊद दे खजाना जिवें लगिया होवे नचे जिवें मैद विच रजे आहोवे नचे इंज जिवें मैद विच रजे आहोवे रजे आहोवे पैर धरती ते नहींयो अज लगदा पया गाऊ अहद दे संदूक अगे नचदा पया गाऊ संदूक अगे नचदा पया वेख वेख के जमाना पावे हसदा पया दे संदूक अगे नचदा पया दे संदूक अगे नचदा पया। हालेलुया, शुक्र खुदावंद तो हमें ऐसी ही स्पिरिट दे, खुदावंद तो हमें ऐसे ही खुदावंद पाक रूह बख्श है खुदावंद कि हम जब तेरी हम्द करें, जब हम तेरी सताइश करें तो ऐ खुदावंद हम इस दुनिया से ऐ खुदावंद बिल्कुल बिल्कुल अपनी आंखों को अपने जहन को बंद कर ले, खुदावंद हमारा ध्यान हमारा ज्ञान सिर्फ तेरी तरफ हो, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐ खुदावंद तेरी बुजुर्गी का ना हो, खुदावंद हम अपने आप को भूल कर अपने इर्द गिर्द की फिक्रों परेशानियों को भूल कर दुनिया की आजमाइशों को भूल कर ऐ खुदावंद हम सिर्फ और सिर्फ तुझसे दिल लगाएं और अपने पूरे दिल और अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अक्ल से और अपनी पूरी ताकत से तुझसे मोहब्बत रखें। दुनिया क्या कहती है, क्या चाहती है, ऐ खुदावंद हमें उससे कोई सरोकार ना हो, खुदावंद हमारा हाथों का उठाना और बुलंद करना सिर्फ और सिर्फ तेरी बुजुर्गी गाने के लिए हो। मसीह यीशु तो हमें ऐसा ही करने की तौफीक दे। आमीन। आमीन।
की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि दाऊद को खुदावंद के कलाम की गैरत थी, और दाऊद जो है वो खुदावंद की बेटे एक मिनट क्वेश्चन एक मिनट हम जबूर 119 में से पढ़ते हैं। हमारे बहुत अजीज भाई हैं विल्सन, उन्होंने जर्मनी से ये रिक्वेस्ट की है कि ये इस गीत को हम इस जबूर को एक्चुअली जबूर शामिल करें आज की इबादत में। वो ये चाह रहे थे कि हम इसके हवाले से कोई उनको बताएं कैसे गाया जाता है, तो हम इसे गाएंगे भी, लेकिन मैं इसको आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जबूर 119 और उसकी 73वीं आयत से 80वीं आयत तक, साम 119 उसकी साम वर्स 73 से 80 तक। दाऊद बादशाह ये कहता है कि तेरे हाथों ने खुदावंद मुझे बनाया और तरतीब दी, मुझे फहम अता कर ताकि तेरे फरमान सीख लूं। तुझसे डरने वाले मुझे देखकर खुश हूं, इसलिए कि मुझे तेरे कलाम पर एतमाद है। खुदावंद मैं तेरे अहकाम की सदाकत को जानता हूं, और ये कि वफादारी ही से तूने मुझे दुख में डाला उस कलाम के मुताबिक जो तूने अपने बंदा से किया। तेरी शफकत मेरी तसल्ली का बायस हो, तेरी रहमत मुझे नसीब हो ताकि मैं जिंदा रहूं, क्योंकि तेरी शरीयत मेरी खुशनुदी है। दाऊद बादशाह को, जो बादशाहों में सबसे मुमताज बादशाह, जो खुदावंद की हमदो सना करने में लासानी था, जब वो उसकी हमदो सना करता था खुदावंद कहता था कि मुझे मेरी मर्जी के मुआफिक जो है वो शख्स मिल गया है जो रूह और सच्चाई से मेरी हमदो सताइश करता है। और क्यों वो रूह और सच्चाई से हमद करता था? क्योंकि खुदावंद के इस बंदा को, खुदावंद के इस अजीज बंदा को खुदावंद की शरीयत से प्यार था। अजीजो, आज बहुत से डिनोमिनेशंस में, फिरकों में खुदावंद की शरीयत को ऐसा बना दिया गया है कि जैसे वो कोई नापसंदीदा बात है। अगर वो खुदा के लिए और खुदा के बंदा दाऊद के लिए पसंदीदा बात थी, तो मेरे और आपके लिए भी वो पसंदीदा है। हमारी क्या औकात है कि हम उसे नापसंदीदा कहें या उसके हवाले से बुरी बातें कहें? दाऊद बादशाह फिर कहता है कि मगरूर शर्मिंदा हूं क्योंकि उन्होंने नाहक मुझे गिराया, लेकिन मैं तेरे कवानीन पर ध्यान करूंगा, तुझसे डरने वाले मेरी तरफ रुजू हो तो वो तेरी शहादतों को जान लेंगे, मेरा दिल तेरे आयन मानने में कामिल रहे ताकि मैं शर्मिंदगी ना उठाऊं। फहम अता कर मुझको खुदाया, वी आर गोइंग टू सिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, और भाई विल्सन के लिए है और हम सब के लिए और आप सबों के लिए ये सॉन्ग, ये जबूर। मुझको खुदाया ता शरीयत को तेरी मैं जानूं, बता कर मुझको खुदाया ता शरीयत को तेरी मैं जानूं, बता कर तूरी गलाई मेरी सूरत बना I'm
खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम नेमतों और बरकतों के लिए, और खुदावन सबसे बढ़कर हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए, खुदावन इन शीरी बातों के लिए जो छत्ते के टपकों से ज्यादा शीरी हैं, नीज इनसे तेरे बंदा को आगाही मिलती है। खुदावन हम तेरे पाक कलाम के लिए जो शुरू से आखिर तक ऐ खुदावन यकसा है, जो पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक ऐ खुदावन तेरा पाक कलाम है। खुदावन जो तेरे मुंह की बातें हैं, जिसने ऐ खुदावन यीशुआ तूने कहा कि एक नुक्ता या एक शोशा भी ना मिटेगा जब तक आसमान और जमीन कायम है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे मुंह की बातें कायम है और सदा रहेंगी ऐ खुदावन, क्योंकि ये हमारे खुदावन का पाक कलाम है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं जब हम तेरे हुजूर में हाजिर हैं। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं और अपने इन तमाम अजीजों को, अपने ऐ खुदावन इन तमाम फैमिली वालों को ऐ खुदावन तेरे हुजूरी में लेकर आते हैं जो तेरी फैमिली का हिस्सा हैं। खुदावन इनकी मनाजातों को, इनकी इल्तिजाओं को, इनकी मुरादों को तेरे तख्त के आगे रख देते हैं खुदावन जी, और तेरा शुक्र करते हैं कि तू इन सबको पहले से जानता है और ऐ खुदावन तू इनका जवाब देने पर कादिर है। खुदावन शुक्रगुजारियों के लिए ऐ खुदावन, उन तमाम दुआओं के जवाबों के लिए जो खुदावन जो तेरे दर से जारी हुए हैं, खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन मैं अपने वालदैन के लिए, खुदावन अपने तमाम बुजुर्गों के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, अपनी मामा के लिए जिंदगी सलामती सेहत और तंदुरुस्ती के दुआ करती हूँ खुदावन, अपने वालिद साहब के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, अब्बू जी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, और ऐ खुदावन उन बुजुर्गों के लिए जो हमारे लिए दिन और रात दुआ करते हैं खुदावन और हमारे लिए तुझसे बरकत चाहते हैं खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तू आंटी रीटा के साथ हो खुदावन, आंटी तरन्नम के साथ हो खुदावन जी, मैं आंटी रीटा के लिए खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ, उनकी जिंदगी के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तू जिंदगी और सलामती और सेहत और तंदुरुस्ती बख्शा खुदावन, मेरा ईमान है कि वो जहाँ भी है तेरी सलामती में है खुदावन, मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तेरा शुक्र करती हूँ भाई आसिफ के लिए, आसिफ मसीह जो फैसलाबाद में है खुदावन, जो बीमार है खुदावन, उनके तेरे आगे अपने खुदावन बीमारी को रखा है खुदावन, तू अपने शाफी हाथ को बढ़ा और अपने बंदा को शिफा बख्श, जिंदगी बख्श, सेहत और तंदुरुस्ती बख्श, और ऐ खुदावन जिंदगी में तू अपनी गवाही को पैदा कर। खुदावन मैं बहन तबीता के लिए, बेटे इमैनुएल के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, और इस घराने के लिए खुदावन उस शुक्रगुजारी के लिए, इस बेटे की सलामती से जिंदगी में आने के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, बाकी तमाम कमी कमजोरी यीशुआ तेरे नाम से दूर होती जाती है खुदावन, बहन रिफत के लिए, उनकी फैमिली के लिए तुझसे दुआ करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ इस घराने के लिए जो तुझ में मजबूत है, तुझ में कायम है खुदावन, तू बच्चों को अपनी हिकमत अपना फहम बख्श दे, ताकि तेरे पाक कलाम को ऐ खुदावन ना सिर्फ पढ़ने वाले हों बल्कि उस पर अमल करने वाले हों खुदावन। मैं अपनी बहन मरियम के लिए, बेटी सारा के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, तू इनको संभाल है खुदावन, तू अपने दैन हाथ को बढ़ा और इनका मुहाफिज हो, इनका निगेबान हो खुदावन, तू इनकी मदद कर है खुदावन जी, और ऐ खुदावन ट्रायल्स के इन दिनों में इन तमाम परेशानियों से खुदावन इस घराने को निकाल ले खुदावन, रेस्टोरेशन की पाक रूह को इनके लिए मांगती हैं खुदावन जी। बहन रुचिका के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन, भाई ललित अगर तो सफर में है खुदावन, तो उनको खैरियत और सलामती के साथ अपने घराने में मिला, और ऐ खुदावन अगर वो खैरियत और सलामती से
पहुंच गए हैं तो इस बात के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। बहन सोनिया के लिए, भाई साइमन के लिए, इस खुशी के लिए जो इस घराने को तू देने को है, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा। जॉब्स के हवाले से खुदा, जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं खुदा, तू उनको जानता है और अपने वक्त पर तू उनको पूरा करने पर कादिर है खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं भाई एमएस के लिए, बहन नीना के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। तू इस जोड़े को बरकत दे खुदावन जी, और जो है खुदावन नौकरी के हवाले से इस वक्त मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, यीशु मसीह तो अपने कादिर नाम में इनको दूर कर, और ऐ खुदा इस घराने को अपने नाम की गवाही के लिए इस्तेमाल कर खुदा। तो हम सबों के साथ हो, हमारे दिल का, हमारी जुबान का, हमारी रूह का जिम्मा ले खुदा, ताकि जब हम तेरे कलाम में से सीखे हैं खुदावन जी तो हमारी रूह को ताजगी मिले, और ऐ खुदावन हम हुज्जत से नहीं बल्कि प्यार से और फरमाबरदारी से तेरे कलाम को समझने वाले हों, और ऐ खुदावन उसको पढ़ने वाले हों और उस पर अमल करने वाले हों। तो अपने बंदा के साथ और अपने पाक रूह को ऐ खुदावन उसमें जुम्बश करने दे, ताकि तेरे पाक कलाम को तेरे पाक रूह की हिदायत से तेरे लोगों में लेकर जाए, और वो कलाम का बीज जो आज बोया जाए वो 30 गुना 60 गुना और 100 गुना बरकत लाने वाला हो, मसीह यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, सारा जलाल अपने आसमानी बाप को देते हैं, और इस बात के लिए भी कि आप कलाम मुकद्दस से, बाइबल से सीखने को है, खुदा से बरकत पाने को है, सारा जलाल उसे मिले। खुदा के कलाम का जो हिस्सा हम आज सीखेंगे और देखेंगे वो है अहबार की किताब में से उसका 12वां और 13वां बाब, और इनमें बहुत अहम बातें हो रही हैं। हम इन पर घंटों बात कर सकते हैं, दिनों बात कर सकते हैं, लेकिन इस मुख्तसर से टाइम में जो हमारे पास है, मेरी कोशिश होगी कि कुछ सवाल जो जनरली हर किसी के जहन में आते हैं और जो शायद मेरे जहन में भी हो, हम उनको खुदा के कलाम की रोशनी में, खुदा की पाक रूह की हिदायत से सीखने वाले हों। खुदा का पाक कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, वो यूं कहता है उसकी पहली आयत में, और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि अगर कोई औरत हामला हो और उसके लड़का हो तो वो 7 दिन नापाक रहेगी, जैसे हैज के आयाम में रहती है। 7 दिन नापाक रहेगी, और कई दफा इस बात को इस तरह लिया जाता है कि ये नापाकी जो है ये किस, क्या ये गुनाह है? हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ये नापाकी ज़रूर है और ये रिचुअल है। ये इसलिए थी कि उस वक्त हैकल मौजूद थी और वो हैकल में नहीं जा सकती थी, और हैकल में जाने के हवाले से शायद हम सब नापाक हों, लेकिन गुनाहगार नहीं थी, क्योंकि बच्चे पैदा करने के लिए तो खुदा ने हुक्म दिया था कि जाओ फलो और फूलो, सो यू शुड हैव चिल्ड्रन। तो बच्चे पैदा करना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन ये नापाकी जो है ये रिचुअल अनक्लेंजिंग थी, दैट डिडंट मीन कि वो खुदा ना खास्ता गुनाहगार थी। लेकिन फिर इसके बाद हम इसकी जो 5वीं आयत तक पढ़ेंगे, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए, इसके बाद 33 दिन तक वो तहारत के खून में रहे, और जब तक उसकी तहारत के आम पूरे ना हो तब तक ना तो किसी मुकद्दस चीज को छुए और ना मुकद्दस मकदस में दाखिल हो, और अगर उसकी लड़की हो तो वो 2 हफ्ते नापाक रहेगी, जैसे हैज के आम में रहती है, इसके बाद 66 दिन तक तहारत के खून में रहे। आमीन आमीन। तो यहाँ पर एक और सवाल पैदा हो जाता है कि अगर लड़की पैदा हो रही है तो ये नापाकी जो है, ये अनक्लेंजिंग जो है, चाहे रिचुअल ही है, तो ये ज्यादा क्यों है? हम इस बात को तो समझ सकते हैं कि जी ठीक है, ये रिचुअल अनक्लेंजिंग है, और ये बात जहन में रहे कि आप और मैं जितना मर्जी नहाए धोए हुए, अगर हम एक बड़े साफ सुथरे से भी कब्रिस्तान में से गुजर जाएं तो मैं और आप भी रिचुअली अनक्लीन हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं, कि खुदा की हैकल, वो हैकल जो इस वक्त मौजूद नहीं है। इसी वजह से कई दफ़ा हम गैर कौमों को, जो जेंटाइल्स में से खुदा पर ईमान लाए, खुदा के कलाम पर, खुदा के बेटे पर ईमान लाए, ये सहूलत मैसर है कि हम अनक्लीन होते हुए भी, सिनफुल नहीं कह रहा, गुनाहगार नहीं कह रहा, अनक्लीन कह रहा हूँ, नापाक कह रहा हूँ, हम खुदा की इबादत कर सकते हैं और खुदा के घर भी चले जाते हैं, क्योंकि उस हैकल जैसे स्टैंडर्ड, जैसा पाक हैकल यरूशलेम में थी, उस जैसा स्टैंडर्ड जो है वह मौजूद नहीं है। उस वक्त उस आपको जो सुर्ख बच्चिया की राख है उससे पाक किया जाता था, रिचुअली क्लीन किया जाता था, तो अभी वैसा नहीं है। सो देर इज जिसे कहते हैं विजडम, अभी भी खुदा की हिकमत जो है उसने काम किया, उसके फजल ने काम किया, उसकी ग्रेस ने काम किया कि भाई हैकल मौजूद नहीं है। बेशक जब खुदा यीशु मसीह आएंगे तो हैकल मौजूद होगी, उसके हवाले से हम पढ़ते हैं इसकी एल की किताब में भी और जकरिया की किताब में भी
और रेविलेशन मुकाशवा की किताब में भी। लेकिन यहां पर जो बात हो रही थी रिचुअल अनक्लेंजिंग की, तो लड़की के लिए ये रिचुअल अनक्लेंजिंग जब लड़की हो तो वो क्यों ज्यादा है? क्या लड़की की जो कदरो मंजिलत है, लड़की की जो वैल्यू है, वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक कम है लड़कों से? ये सवाल किया जा सकता है। तो इस सवाल के हवाले से अजीजों, ऐसा नहीं है। इसका मुख्तसर जवाब यह है कि ऐसा नहीं है, इसलिए कि लड़की की कदर व मंजिलत एक्चुअली ज्यादा है। वो क्यों ज्यादा है उसके हवाले से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जब एक जानवर जैसे कोई कुत्ता हो सकता है या बिल्ली हो सकता है, वो इस उनकी भी जिंदगी है, वो इस दुनिया से जाएंगे और एक इंसान इस दुनिया से जाएगा, तो किसका खला ज्यादा है, किसका नुकसान ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जो आदमी का नुकसान है वो ज्यादा बड़ा नुकसान है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब एक औरत के जिस्म में से एक लड़के की जान निकलती है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जब एक लड़की की जो लिविंग बॉडी है वो निकलती है, जब वो पैदा होते हैं, तो ये ज्यादा बड़ा गैप है। खुदावंद ये कह रहे हैं कि वो ज्यादा क्लीन हो गई है, क्योंकि लड़की जो है उसकी कदर मंजिलत डबल है लड़के से। इनफैक्ट कलाम मुकद्दस जो है वो ये कहता है कि उसकी कदर मंजिलत ज्यादा है, इसलिए क्योंकि वो भी अपने अंदर वूम कैरी करती है जिसमें वो अगली नस्ल लेके आ सकती है। तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कदर मंजिलत है, वो लड़के से ज्यादा है, इसलिए जो माँ है वो ज्यादा अनक्लीन लिखा जा रहा है कि हो रही है। और फिर हम छठी आयत से पढ़ते हैं, आई होप कि ये चीज क्लियर है, नहीं तो हम इस चीज को दोबारा भी कवर कर सकते हैं। फेसबुक का अच्छा फायदा यह है, इस वीडियो का अच्छा फायदा यह है कि आप इसको बार बार रिवाइंड करके भी देख सकेंगे, सुन सकेंगे। बट इट इज वेरी क्लियर कि खुदावंद का कलाम जो है ऑन द कॉन्ट्ररी औरत के हवाले से ज्यादा कदर व मंजिलत उसे देता है, कि वो जो वैक्यूम या गैप क्रिएट हो रहा है उस माँ की जिंदगी में, वो बच्ची के लिए, बेटी के लिए ज्यादा बड़ा गैप है कंपेयर टू ए सन। सो हम खुदा के पाक कलाम में से इससे आगे पढ़ते हैं छठी आयत से, और जब उसकी तहारत के आयाम पूरे हो जाएं तो ख्वाह उसके बेटा हो या बेटी, वो सूखनी कुर्बानी के लिए एक यकसा लबर्रा, खता की कुर्बानी के लिए कबूतर का एक बच्चा या एक कुमरी, खैमा इस्तमा के दरवाजा पर काहिन के पास लाए। आमीन आमीन। लिखा है कि एक यकसाला बर्रा जो है वो सोखनी कुर्बानी के लिए लेकर आए, और यकसाला बर्रा जो है वो लेकर आने का हुक्म था। और हम खुदा उनके पाक कलाम में से देखते हैं लूका की अंजील, मुकद्दस लूका तबीब की अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी 21 से 24 आयात, गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 21-24। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यस्सु रखा गया, जो फरिश्ता ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। फिर जब मूसा की शरीयत के मुआफिक उनके पाक होने के दिन पूरे हो गए। आमीन। अब देखें कि खुदावंद का बेटा, खुदावंद का कलमा जो है वो इस दुनिया में आया है और वो अपने बाप की शरीयत को पूरा कर रहा है, उसकी तौरेत को पूरा कर रहा है, और उसके माँ बाप भी ऐसा ही कर रहे हैं जो दुनियावी माँ बाप है। तो वो उसको यरूशलेम में लाए ताकि खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पेलोटा खुदावंद के लिए मुकद्दस ठहरेगा। और ये कहां से पढ़ा जा रहा है? ये ऑब्वियसली लेविटिकस 12 से, जो आज का हमारा हवाला है, अहबार का 12वां बाब, वहां से ये पढ़ा जा रहा है। और खुदावंद की शरीयत के इस कॉल के मुआफिक कुर्बानी करें कि कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के दो बच्चे लाओ। कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के दो बच्चे लाओ। यहां पर लिखा है कि यकसाला बर्रा लेकर आया जाए, तो क्यों यहां पर वो लेकर आ रहे हैं कुमरियों का जोड़ा, टर्टल डव्स क्यों लेकर आ रहे हैं? इसलिए कि वो गरीब थे, दे वर पुअर अजीजों, और ये सहूलत मैसर है कि अगर कोई अमीर ना हो, उसका मकदूर ना हो, उसका ऐसा हिसाब ना हो कि वो बर्रा लेकर आ सके, तो वो कुमरियों के बच्चे लेकर आ सकता था, टर्टल डव्स लेकर आ सकता था। मेरे कहने का क्या मकसद है? मेरे कहने का मकसद ये है अजीजों कि इस वक्त यूसुफ और मरियम के पास मजूसी नहीं आए थे, क्योंकि अगर मजूसी आए होते तो उनके पास जो है सोना होता, जिसको बेचकर खुदावंद की शुक्रगुजारी जरूर करने आते। और याद रहे कि ये सोखनी कुर्बानी जो है ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी है, ये इसलिए कुर्बानी नहीं है कि आप जो है कुछ और
कर रहे हैं, ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी है कि खुदा ने उनको बेटा दिया, औलाद दी। सो हम देखते हैं कि ये बात बताती है कि इनफैक्ट मजूसी जो है उस वक्त तक इनके पास नहीं पहुंचे थे। मजूसी 6 महीने साल, बल्कि लिखा है जो रेफरेंस बुक्स हैं, हिस्टोरिकल बुक्स में बताती है, तकरीबन 2 साल के बाद उनके पास आए थे। क्योंकि अगर हमारे पास पैसे हों तो अजीजों, आप में से कौन ऐसा है कि जिसके औलाद हो वो खुदा उनका शुक्रिया ना अदा करे? आपका कई दफा दिल करता है कि आप उससे ज्यादा शुक्रिया अदा करें जितना आपके पास है। तो यहां पर इनके पास बर्रा लाने को खुदावंद के हजूर पैसे नहीं थे, लेकिन कैसी ही खूबसूरत बात है अजीजों कि उनके पास खुदावंद का बर्रा मौजूद था। हालेलुया, उनके पास खुदावंद का बर्रा मौजूद था, वो बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, वो बर्रा जो फसा का बर्रा है, जिसने फसा के दिन कुर्बान होकर मेरा और आपका फिदिया दिया, ताकि हम उस आसमानी खुदा को, खुदावंदों के खुदा को, इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदा को अपना आसमानी बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सके। हालेलुया, हालेलुया, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमारा रहीम बाप है। खुदावंद यीशु मसीह के लहू के वसीला से, फसा के बर्रे के लहू के वसीला से, और हम उसी की शुक्रगुजारी करते हैं, उसी के नाम को सारा इज्जत और जलाल देते हैं। हालेलुया, हम ये पढ़ लेते हैं यहां से 8वीं आयत। अगर कोई ये सवाल भी करना चाहे कि बर्रा ना लाओ तो 2 कुमरियां लाने का हुक्म कहा था, यहीं पे है लेविटिकस 12:8 में से, मारिए पढ़ दें इसको। और अगर उसको बर्रा लाने का मकरूह ना हो तो वो 2 कुमरियां, 1 कबूतर के 2 बच्चे, 1 सोखती कुर्बानी के लिए और 2 सखता की कुर्बानी के लिए लाए, यूं काहिन उसके लिए कफारा दे तो वो पाक ठहरेगी। और वो पाक किस तरह ठहरेगी कि वो रिचुअली क्लीन होगी। खुदा ना खास्ता वो गुनाहगार नहीं थी। बच्चे पैदा करना एक ब्लेसिंग है और हम इस ब्लेसिंग के लिए खुदा उनका शुक्रगुजार हैं। हम अपने बच्चों के लिए शुक्रगुजार हैं, आपके बच्चों के लिए शुक्रगुजार हैं। बच्चे खुदावंद की बादशाही को जिस तरह कबूल करने का, बच्चे खुदावंद की बादशाही को कबूल करते हैं, इस तरह मुझे और आपको भी हुक्म है। सो बच्चों के लिए खास दुआ, आपके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए खास खुदावंद की रहमत और बरकत की दुआ। हम खुदावंद के पाक कलाम में से इससे आगे जो अहम हिस्सा है उसको भी देखते चलें, जो खास तौर पर जारात के हवाले से। जारात एक स्किन कंडीशन है जिसकी ट्रांसलेशन कर दी गई है कोड के हवाले से, लेकिन ये इस तरह का कोड नहीं है जिस तरह के कोड से हम आजकल लेप्रसी से आजकल वाकिफ हैं। दिस जारात, दिस स्किन कंडीशन इज अ मच डिफरेंट वे, और इसके हवाले से हम सीखेंगे खुदा के पाक कलाम में से। जल्दी बीमारियों के जो कवानीन है, 13वां बाब और उसकी 1-3 आयात, लेविटिकस 13:1-3। फिर खुदावन ने मूसा और हारून से कहा, अगर किसी के जिस्म की जिल्द में वर्म या पपड़ी या सफेद चमकता हुआ दाग हो और उसके जिस्म की जिल्द में कोड़ सी बला हो तो उसे हारून काहिन के पास या उसके बेटों के में से जो काहिन है किसी के पास ले जाए, वो और काहिन उसके जिस्म की जिल्द की बला को देखे। अगर उस बला के सफेद बाल हो गए हों और वो बला देखने में खाल से गहरी हो तो वो कोढ़ का मर्ज है और काहिन उस शख्स को देख कर उसे नापाक करार दे। उसे नापाक करार दे। अब ये जो जारात है जिसको कोढ़ का कहा गया है, अगरचे ये कोढ़ से मुख्तलिफ है, ताहम इसके हवाले से बड़ा वाजे करार दिया गया है कि कौन जो है वो ये डिसीजन लेने के लिए है, वो है खुदावंद का काहिन जो है वो ये कह सकता है कि यू आर अनक्लीन। और इसका रीजन क्या था? बिकॉज दिस केम आउट ऑफ ईविल स्पीच, जो बुरी बातें लाशोन हारा करते हैं, इब्रानी में लाशोन हारा का मतलब है गॉसिप, बुरी बातें करते हैं, वो इस बीमारी का शिकार होते थे। और चूंकि उन्होंने अपनी जबान से अनक्लीनलीनेस फैलाई, दे वर डिक्लेयर्ड अनक्लीन बाय द काहिन, काहिन उन्हें फिर अनक्लीन करार देता था कि खुदावंद का अजाब तुम पर नाजिल हुआ है। और हम आगे पढ़ लेते हैं एक्चुअली 13th chapter ही की 42-46 verse, 13वें बाब की 42-46 आयत, अहबार है। लेकिन उस गंजे या चंदले सर पर सुर्खी माइल सफेद दाग हो तो ये कोड़ है और उसके गंजे या चंदले सर पर निकला है, तो काहिन उसे मुलाख्ता करे, मुलाहिजा करे, और अगर वो देखे कि उसके गंजे या चंदले सर पर वो दाग ऐसा सुर्खी माल सफेद रंग लिए हुए है जैसा जेल के कोड़ में होता है तो वो आदमी कोड़ी है, वो नापाक है, और काहिन उसे जरूर ही नापाक करार दे क्योंकि वो मर्ज उसके सर पर है।
مرض اس کے سر پر ہے اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے اس کے سر کے بال بکھرے رہے ہیں اور اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانک کے اور چلا چلا کر کہے ناپاک ناپاک جتنے دن تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ ناپاک رہے گا اور وہ ہے بھی ناپاک بس وہ اکیلا رہا کرے اکیلا رہا کرے کیوں اکیلا رہا کرے کیونکہ جب وہ لوگوں میں تھا تو اس نے اپنی زبان سے لوگوں کو نقصان پہنچایا اور وہ اسی زبان سے اسے یہ کہنے کا حکم تھا کہ ناپاک ناپاک ہاں میں ناپاک ہوں یہ وہ کہتا تھا اور ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ کوڑی جو ہیں وہ شہر سے باہر نکال دیے جاتے تھے ہم اس حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے جانتے ہیں کہ کوڑی جو تھے وہ ناپاک تھے اور وہ شہر سے باہر تھے جب انہیں خداوند نے استعمال کیا جو دشمن کی فوجیں ہیں ان میں جا کر انہوں نے ان کے جو ٹینٹس ہیں ان کے کیمپس ہیں وہاں سے کھانا وغیرہ استعمال کیا دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر ہم نامان کوڑی جو سیکنڈ کنگز میں اس کے ففتھ چیپٹر میں اس کا ذکر ہے دوسری سلاطین اس کے پانچویں باب میں اس کا ذکر ہے اس کے حوالے سے بھی خوبصورت باتیں سیکھ سکتے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور ایک اور چیز دیکھیں گے کہ موسیٰ کی بہن مریم کو بھی یہ کوڑ ہوا اور کیوں کوڑ ہوا اس کی ریزن میں آپ کو بتا رہا تھا ایول سپیچ ہے ہم دیکھ لیتے ہیں نمبرز 12:1 گنتی کی کتاب اس کا 12 باب اور پہلی آیت اور موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا سو اس کوشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیاہ لیا تھا مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے اس کے خلاف بولنے لگے اس کی غیبت کرنے لگے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے 10 آیت ہم پڑھتے ہیں اور ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گئی اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی اور ہارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے ہارون نے جو مریم کی طرف دیکھا تو دیکھتا ہے کہ یہ کوڑی ہو گئی ہے کیونکہ مریم نے اپنے بھائی کی بیوی کے حوالے سے اپنے بھائی کے حوالے سے بری بات کی لاشون ہارا استعمال کی ایول ٹنگ یوز کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس زارات کا اس کوڑ کا شکار ہوتی ہے اور جو ہارون ہے آئی ایم شیور کہ وہ بھی اپنے دل میں ڈر گیا ہوگا کہ یہ اگر اس کو کوڑ ہو گیا تو ہو سکتا ہے مجھے بھی ہو جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیکاز شی واز دا پرپیٹریٹر اس نے یہ کیا تھا تو وہی کوڑی ہوئی ان فیکٹ بعد میں جب وہ کلین ہوتی ہے جب وہ معافی مانگتی ہے اس بات سے تو وہ کلیئر بھی ہوتی ہے اس کوڑ سے لیکن دس از دا ریزن زارات کا کوڑ کا ریزن جو بائبل کی جو کوڑ ہے ڈفرنٹ ٹو دا لیپرسی وی نو آف جیسی بیماری اب ہے میں بار بار اس چیز کو کہہ رہا ہوں کیونکہ زارات جو بائبل میں لکھی ہوئی ہے جو بائبل کی زارات یا کوڑ ہے دیٹ از ناٹ دا کوڑ یا لیپرسی جس کو ہم آج کل کے حوالے سے جانتے ہیں اور ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں اس خاص بات کو کہ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا اور بتاتا ہے کہ یہ جو کوڑ ہے یہ کس طرح دور کیا جا سکتا ہے اس کوڑ کے حوالے سے بڑا واضح لکھا گیا تھا how it will be removed ہم خدا کے کلام میں سے پڑھتے ہیں میرے ساتھ دیکھیے لیویٹیکس 14 اگرچہ یہ آج کا حصہ نہیں ہے تاہم میں آپ کو بتا دوں اس میں کیا کہا جا رہا ہے لیویٹیکس 14 اور 1-7 ہم پڑھیں گے پہلی 7 آیات خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ کوڑی کے لیے جس دن وہ پاک کرا دیا جائے یہ شرائع کہ اسے کاہن کے پاس لے جائیں اور کاہن لشکر گاہ کے باہر جائے اور کاہن خود کوڑی کو ملاحظہ کرے اور اگر دیکھے کہ اس کا کوڑ اچھا ہو گیا ہے تو کاہن حکم دے کہ وہ جو پاک قرار دیا جانے کو ہے اسے اس کے لیے دو زندہ پاک پرندے اور دیدار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفا لیں اور کاہن حکم دے کہ ان میں سے ایک پرندہ کسی مٹی کے برتن میں بہتے ہوئے پانی کے اوپر ذبح کیا جائے پھر وہ زندہ پرندہ کو اور دیدار کی لکڑی اور سرخ کپڑے اور صوفہ کو لے اور ان کو اس زندہ پرندے پر جو پرندہ خون میں غوطہ دے جو بہتے پانی پر ذبح ہو چکا ہے آمین دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ وہ پہلے اچھا ہو وہ ہیل ہو اور دوسرا یہ کہ وہ کلینز ہو وہ پاک قرار دیا جائے دو چیزیں ہو رہی ہیں عزیزو جو کوڑی ہے وہ نہ صرف اس کو ہیلنگ کی ضرورت تھی بلکہ اس کو کلینزنگ کی بھی ضرورت تھی پاک قرار دیا جانا اور پاک کون قرار دیتا تھا کاہن قرار دیتا تھا اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے مرکز کی انجیل میں مارک
चैप्टर 1 वर्स 40 टिल 45 हम देखेंगे. मरकस उसका पहला बाब 40 से 45 आयत. और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उसे कहा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है. अगर तू चाहे, कोढ़ी ये कह रहा है अगर तू चाहे तो मुझे पाक और साफ कर सकता है. हील नहीं कह रहा, पाक और साफ. उसने उस पर तस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर उसे कहा, मैं चाहता हूं तो पाक साफ हो जा. और फिर फौर उसका कोढ़ जाता रहा. और फिर फौर उसका कोढ़ जाता रहा. अजीजो हम देखते हैं कि खुदावंद यसूल मसीह ने उसको हील किया, उसको शिफा दी. लेकिन पाक होने के वाले से खुदावंद यसूल मसीह उससे अगली आयतों में उससे कहते हैं, उसने से ताकीद की कि फिर फौर रुखसत किया और उससे कहा, खबरदार किसी से कुछ ना कहना मगर जाकर अपने काहिन को दिखाओ और अपने पाक साफ होने हो जाने की बाबत उन चीजों को जो मूसा ने मुकर्रर की गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो. खुदावंद यसूल मसीह ने हरगिज ये नहीं कहा कि मैंने तुझे ठीक कर दिया है, तू हील भी हो गया है और पाक भी हो गया है और जस्ट लीव एवरीथिंग, खुदा के कलाम की तुझे फॉलोइंग की, फरमाबरदारी की कोई जरूरत नहीं. नहीं, हरगिज नहीं. इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, उसने कहा कि जो शरीयत में लिखा है वो जाकर कर, मैंने तुझे शिफा दे दी है. खुदा यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है वो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने कलाम की, बाप के कलाम की, शरीयत की नफी नहीं करता. वो कहता है कि जो कुछ शरीयत में लिखा है वो जाकर कर, जैसे परिंदे को ज़िबा करने का, जैसे काहिन ने तुझे पाक करार देना है वैसा कर, ताकि सबके लिए गवाही हो कि तूने शिफा पाई और अब तू शिफा पाने के बाद खुदावंद की फरमाबरदारी कर रहा है. हालेलुया. अजीजो यही हाल मेरा और आपका भी है. हमने उस निजात को, उस शिफा को, उस ब्लेसिंग को, उस निजात को पाने के बाद खुदावंद के कलाम में जो कुछ लिखा है उसको करना है, ताकि लोगों के सामने गवाही हो कि ये हमारे बाप का कलाम है. खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान देकर मुझे और आपको गुनाह के कोड से, गुनाह की जारात से आजाद कर दिया है. लेकिन क्या मैं और आप जो कुछ बाप की शरीयत में लिखा है उसे करने की सही कोशिश, एफर्ट करते हैं? अगर नहीं तो आज हमें ये कोशिश करनी शुरू करनी चाहिए. क्या इसलिए कि हम शिफा पाएं? क्या इसलिए कि हम निजात पाएं? नहीं, इसलिए कि हम बाप की फरमाबरदारी करते हुए लोगों के लिए गवाही का वसीला हों, कि हम बाप के अच्छे ताबेदार, फरमाबरदार बेटे और बेटियां हैं. खुदा उनका पाक कलाम, खूबसूरत पाक कलाम. इनफैक्ट मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब 4थी और 5वीं आयत, और हम यसाया को भी जो है वो देखेंगे. आयजाया 53 जो कि खुदा के कलाम का खूबसूरत हिस्सा है. आयजाया 53 जो है, मैं क्यों उसको बार बार कोट करता हूं अजीजो, इसलिए कि यसाया का जो 53वां बाब है उसको कहा जाता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से है. यसाया 53वां बाब, आयजाया 53, उसको इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से कहा जाता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देता है, खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से है, क्योंकि लिखा है कि हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ. वो उसके आगे कॉम्पल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की माने फूट निकला, ना उसमें कोई शक्लो सूरत है ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों. वो आदमियों में हकीर और मर्दूद, मर्द और गमनाक और रंज का आशना है. लोग उससे गोया रूप पोछ थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया. पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बद किरदारी के बायस कुचला गया. अजीजो खुदावंद के कलाम में इस हिस्से को लेपर मसाया के नाम से जाना जाता है, उस मसाया के लिए जो कि कोढ़ी था, जिसने हमारी गुनाह और बीमारियां उठा ली, उसके हवाले से इस हिस्से को डिनोट किया जाता है. और ये बड़ा वाज़े था कि
कि जो हमारे कोढ़ को हमारी बीमारियों को दूर करेगा वो मसाया जो है वो प्रॉमिस मसाया होगा, वो आने वाला मसीहा होगा। और जब यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह के पास भेजा कि आप वही मसाया हैं जिसका जिक्र किया गया था या हम किसी और का इंतजार करें, तो हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह का यीशु मसीह का जवाब सुने, मत्ती की अंजील 11वां बाब 4वीं और 5वीं आयत, मैथ्यू 11:4-5। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुम सुनते और देखते हो जाकर यूहन्ना से बयान करो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं। यीशु मसीह ने उसे यसाया 53 बाब के हवाले से, जो एक कमेंट्री थी, जो एक ख्याल किया जाता था कि वो कोढ़ी मसाया होगा जिसने हमारे कोढ़ को हमसे दूर कर देना है, ही वॉज द वन, और यीशु मसीह उस बात को कोट करते हैं, नोट करते हैं, रेफरेंस देते हैं यूहन्ना को कि मैं तुम्हें कोढ़ से साफ करने के लिए आया हूं, मैं वो मसाया हूं जिसका जिक्र यसाया के 53 बाब में है, यसाया 53 में है। हालेलुया। और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके कोढ़ को भी, गुनाह के कोढ़ को हम पर से ले लिया, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के कहने से अजीजों हम शिफा पाते हैं, जिंदगी पाते हैं, उसी तरह उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने से, उसके कलाम के मुताबिक, बाप के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालने से हम उसकी गवाही देते हैं। सो आए हम अपनी जिंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक ढालें, उसके नाम को जलाल दें और इस बात की गवाही दें कि उसने हमें गुनाह के कोढ़ से आज़ादी दी है, हम पाक हैं जैसे हमारा आसमानी बाप पाक है। आमीन। खुदा के बर्रे की तारीफ करते हैं जिसके लहू से हम पाक और साफ किए जाते हैं, जिसका फसा बहुत नजदीक है, फसा की ईद बहुत नजदीक है। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तारीफ खुदा के बर्रे की, 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 इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, सारों की देवी ये बर्रे की, सारी चीजें हैं ये बर्रे की, तारीफ खुदा के बर्रे की, तारीफ खुदा के बर्रे की, फरिश्ते सबको जानते उसका नाम, फरिश्ते सबको जानते उसका नाम, करते हैं इबादत घर की, करते हैं इबादत घर की, तारीफ खुदा के बर्रे की, तारीफ खुदा के बर्रे की, परस्ते जो जना तेरे गुनाह, परस्ते जो जना तेरे गुनाह, सनाओ बर्रे की, सनाओ बर्रे की, तारीफ खुदा के बर्रे की, सारे गाओ सना भर की, सारे गाओ सना भर की, सारी को खुदा के 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 भर की। Hallelujah.
इब्राहिम इसहाक और याकूब के खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू जो था जो है और जो आने वाला है, तू जो हमारा जिंदा खुदा है, तू जिसने अपने बेटे के वसीला से उसके लहू के वसीला से हमें पाक किया, गुनाह के कोड से आजाद किया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि हम इस लायक ना थे तो भी तूने अपने फजल से हमारी नापाकी को पाकी में तब्दील किया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सारा जलाल तुझे मिलता जाए हमारी जिंदगियों से, इन तमाम लोगों की जिंदगियों से जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सारा जलाल तुझे मिले है खुदावंद। जो इस प्रोग्राम को बाद में देखें उनके लिए बरकत की और सलामती की दुआ, और ऐ खुदावंद तुझसे मिन्नत करते हैं कि हमें अपनी आवाज़ के शिनवा बना, जैसे दाऊद को तेरे पाक कलाम की गैरत थी, जैसे दाऊद को तेरे पाक कलाम के लिए एक्साइटमेंट और जोश था खुदावंद, इसी तरह अपने पाक कलाम के लिए जोश हमारी जिंदगियों में भर। जिन बहन भाइयों ने अपनी दुआओं को, दुआई दरखास्तों को ऐ खुदावंद तेरे सामने रखा है, जिन बुजुर्गों ने, हमारे माँ बाप ने ऐ खुदावंद अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरे सामने रखा है, तू उन दरखास्तों को ऐ खुदावंद हमसे बेहतर जानता है। हम उन्हें उस आसमानी ऊंच सोज में अपने अपने आला तरीन अफजल तरीन सरदार का हैं यहोशुआ मशीह यीशु मसीह के सपोर्ट करते हैं ताकि आसमानी हैकल में ये दुआएं तेरे हजूर पहुंचे। ऐ खुदावंद हमारी हमारी जिंदगियों में तेरी बरकत जाहिर हो, खुदावंद हमारे काम काज पर, हमारे बच्चों पर तेरी बरकत का, तेरी रहमत का साया हो। हमारी इस मिन्नत को, फरियाद को सुन तेरे बेटे हमारे मुनज्जी मसीह यहोशुआ के नाम में, आमीन। हाय हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे और आपको महफूज रखे, यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे, यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको सलामती बख्शे, आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।